आश्रम बुजुर्गों, अजीज दोस्तों और नौजवान भाइयों और साथियों, आज हमारी बस्ती में इस तारीख साल इजलास मुनक़िद हुआ, इसका सेहरा मौलाना मोहम्मद सलीम साहब के सर जाता है। ये इनकी कारिश, इनकी मेहनत, इनकी कुर्बानी रंग लाई और अल्लाह अपने फजल करम से इस इजलास को कामयाबी से हमगुनाह फरमाया। इसके लिए मैं उन तमाम हजरात का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इसमें वक्त खर्च किया, ताउन भी किया, कुर्बानी दी। वो लोग काबिल मुबारकबाद हैं और मैं उनका बेहद ममनून मशहूर हूँ। और मैं खासतौर से अपने उन उलमा किराम का भी शुक्रगुजार हूँ कि अपना कीमती वक्त खर्च करके हमारी इस दावत पर जैसे में तशरीफ लाए, मैं शिरकत फरमाई। वो राज काबिल मुबारकबाद हूँ, मैं उनका दिल से शुक्रगुजार हूँ। और एक बात मैं आखिर में यह करूंगा कि वाकई मौलाना शाहिद साहब ने जो फरमाया कि बस्ती से अब इल्म का सिलसिला कुछ कम होता जा रहा है, इसके लिए फिक्र करें, सोचे कि इसके लिए क्या करना है। हमारी जो आने वाली नस्लें हैं, जो मौजूदा नस्लें हैं, वो इल्म से महरूम होती जा रही हैं। और बुजुर्गों दोस्तों, हम अपने आमाल में, अपनी नियतों में इखलास पैदा करें, रिया और नमूद शोहर से बचें। अल्लाह सुब्हानहू इस इजलास को कबूल फरमाए, हमारे और आप सबके आने को कबूल फरमाए और आखिरत में हम सबके लिए जरिया निजात बनाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। मैं गुजारिश, मैं पहले कुछ नाम आपके सामने पेश करता हूँ जितने स्टेज पर हैं। वैसे तो 100 से ज़्यादा नाम हैं, सारे नाम नहीं ले सकता, अगर कोई नाम रह जाए तो माफ़ी चाहता हूँ। मगर पहले ये अर्ज कर दूँ कि इस बस्ती के तमाम उलमा को ये सोचना होगा कि कल अल्लाह की अदालत में हमसे भी जवाब तलब होना है। इस बारे में जो मुझसे पहले अभी दो उलमा हजरात कहकर गए, इस नस्ल नौ का फिक्र करना होगा। फिर वही शम्मा जलानी होगी जो शम्मा यहाँ से जल रही थी और जिसकी रोशनी हम सब ने पाई और यहाँ से बाहर निकलकर दूसरे इलाकों को रोशन किया। इसमें हमें फिक्र करना होगा, गौर करना होगा, ये हम सब की जिम्मेदारी है। स्टेज पर तशरीफ फरमा है हाफिज शरीफ अहमद साई, इमाम मदीना मस्जिद, हाफिज अनीस अहमद साई, ये हाफिज निसार अहमद साई, ये वो हजरात हैं जो इसी बस्ती के हैं, बहुत काबिल तरीन हुफाज भी हैं और इस बस्ती से बाहर रहकर कई मस्जिद के जरिए या मदरसे के जरिए दीनी और मिल्ली खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इनके अलावा कुछ नौजवान हुफाज हैं, स्टेज पर तशरीफ फरमा है। उन सब का मैं अगर नाम लूँ तो बहुत लंबे वक्त की ज़रूरत है, इश्तिहार के नाम पढ़कर सुना दूंगा। अब तो मैं ऐ जाने वफा जलवा दिखाने के लिए आ, इस कासाए गुलशन को सजाने के लिए आ, बेताब निगाहों का भरम टूट न जाए, इस सोई हुई महफिल को जगाने के लिए आ, रंजिशी सही दिल को दुखाने के लिए आ, आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ, किस किस को बताऊंगा जुदाई का सबब मैं, तू मुझसे खफा है तो जमाने के लिए आ। शहनशाह खिताबत हजरत मौलाना मोहम्मद अखलाक साहब दामत बरकातहु, ये जिम्मेदारी भी उन्हीं की है कि वो इस बिखरे हुए मजमे को समेटेंगे, आप ही की दुआ होगी और जल्द ही इंशाल्लाह ये मजलिस अपने इख्तिताम को पहुंच जाएगी। Thank you.
उन्हें नबी की मोहब्बत का वास्ता, पैगंबर की उन्सियत का वास्ता, आमना के लगते जिगर बजहे तखलीके कायनात, अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का वास्ता, आओ नबी के दीवाना, आओ पैगंबर पर जान निछावर करने वाले की टकरने की तमन्ना और आरजू रखने वालों, मैंने तुम्हें नबी के नाम पर पुकारा है, पैगंबर की मोहब्बत में पुकारा है, अहकमुल हाकिमीन देख रहा है, रब्बे दो जहां देख रहा है, खालिके अर्जो समाबाद देख रहा है कि कौन मान रहा है और कौन नहीं मान रहा है। मुझे पाबंद किया गया है कि 1:30 बजे से पहले खिताब भी होना है और दुआ भी होनी है, लेकिन दोस्तों मुझे वाकई एहसास नहीं था कि ये जलसा इतना अहम जलसा हो जाएगा और ऐसा तारीख साथ जलसा हो जाएगा। मेरी जिंदगी 20 साल से जलसों में है और मैं बिला मुबालगा कह सकता हूँ कि मैं बेहद खुश हुआ हूँ यहाँ आकर के। मैंने नईम अख्तर राही साहब को बहुत अब तक सुना था लेकिन मुलाकात आज तक नहीं हुई थी। मैंने उनका दीदार किया है और महसूस किया है कि वाकई ये शख्स नबी का दीवाना है। जब नात पढ़ता है तो सिर्फ जबान से अल्फाज नहीं निकलते हैं बल्कि दिल की अमीक गहराइयों से नबी की मोहब्बत की शुआएं निकलती हैं। मुफ्ती मोहम्मद आरिफ साहब का नाम भी मैंने कई हवालों से सुना था लेकिन आज तक मेरी मुलाकात नहीं हो सकी थी। अल्लाह का शुक्र है कि इस मुफक्किर आदमी से भी मेरी मुलाकात हुई और मैं दिल की अमीक गहराइयों से दुआ करता हूँ कि रब्बे किब्रिया इस बस्ती को इल्म का गहवारा और इल्म का चमन और इल्म का बाग बनाए। आप मायूस ना हो, ये इरादे ये वादे ये सब चलते रहेंगे लेकिन मुझे यकीन कामिल है कि जिस बस्ती की सरजमीन पर ऐसे ऐसे उलमा पैदा हुए हो वो बस्ती कभी इल्म से महरूम न होगी और वहां हमेशा इल्म का चराग चलता रहेगा इंशाअल्लाह। थोड़ी सी गुफ्तगू कर ले फिर दुआ कर ले, इजाजत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह الحمد نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد استغفروا ربكم إنه صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له او كما قال عليه الصلاه والتسليم درود پاک پڑھیے اللهم صل علی سيدنا وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي جو کچھ مانگنا ہے خدا ہی سے مانگ اے اکبر جو کچھ مانگنا ہے خدا ہی سے مانگ اے اکبر یہی وہ در ہے کہ جہاں آبرو نہیں جاتی اور کسی نے بہت اچھی بات کہی ہے علماء کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں شاعر کہتا ہے دنیا سیکھ محمد موتی صلی اللہ علیہ وسلم ان بن دنیا کیسی ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم مقصود کونین محمد مطلوب دارین محمد ان بن کیسے دنیا ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم گرنا ہوتا عام نہ جایا امت کا غم کھانے
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काश मेरे महबूब की धरती मुझ पे इतना करम वो करती, मुझको अपने अंदर लेती। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदर मोहतरम, मुअस्सिस उलमाए किराम, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, बच्चों, पसे पर्दा बैठी हुई मेरी माँ और बहनों, ये जलसे की आखिरी घड़ी है और हमें अल्लाह से दुआ करनी है, अल्लाह के सामने हाथ फैलाने हैं, अपने दामन को पसारना है, अपने गुनाहों पर इस्तिग़फ़ार करना है, रब से माफी तलब करना है। इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि इस्तिग़फ़ार के ताल्लुक से, रब के मांगने के ताल्लुक से, रब की मग़फ़िरत के ताल्लुक से, रब की माफी के ताल्लुक से, रब के रहम करम के ताल्लुक से चंद लम्हे आपके सामने गुफ्तगू कर लो। अपना ताल्लुक रब से पैदा करो, अपना ताल्लुक रब से जोड़ो, अपने हाथ अल्लाह के सामने फैलाओ, अपने दामन अल्लाह के सामने पसारो। सारी कायनात में उसी का हुक्म चलता है, ये पहाड़ उसके हुक्म के ताबे हैं, ये दरियाओं की रवानी उसके हुक्म के ताबे है, कायनात में दरख्तों का पत्ता अल्लाह की मर्जी, उसकी ताकत और उसके हुक्म के बगैर हिल नहीं सकता। इसलिए अल्लाह को मनाओ, अल्लाह को राजी करो, अपने गुनाहों पर इस्तिग़फ़ार करो। मुझे यकीन कामिल है, अगर हम अपने गुनाहों पर इस्तिग़फ़ार करेंगे, अरहमुर राहिमीन की चौखट से मायूस नहीं लौटेंगे। इसलिए कि रब ने खुद ही कहा है, इस्तग़फिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा। ऐ कायनात के मुसलमानों, ओ कायनात के मोमिनों, और रब की रहमत पर भरोसा करने वालों, रब्बे किबरिया की ताकत पर भरोसा करने वालों, नबुव्वत की नबुव्वत और रिसालत पर ईमान रखने वालों, सुनो, तुम अल्लाह से इस्तिग़फ़ार तलब करो, अहकमुल हाकिमीन के सामने अपने गुनाहों की माफी चाहो और अपना रिश्ता अल्लाह से मजबूत करने की कोशिश करो। अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। और अच्छी तरह समझ लेना, अगर रब हमसे राजी हो जाए तो फिर कायनात की इज्जतें हमारे लिए और आखिरत की सरबलंदियां हमारे लिए। मुझे याद पड़ता है हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आता है, कहने लगा, ऐ अल्लाह के वली, मैं बहुत गुनाहगार हूँ, मुझे बताओ मैं क्या करूँ। कहा, इस्तिग़फ़ार करो। दूसरा शख्स आता है, वो कहता है, मैं कर्ज़े में मुब्तला हूँ, बताओ क्या करूँ। कहा, इस्तिग़फ़ार करो। तीसरा आता है, कहा, मेरे पास औलाद नहीं है, बताओ क्या करो। कहा, इस्तिग़फ़ार करो। पूछने वाले ने पूछा, ऐ हसन बसरी, सवाल अलग अलग है और जवाब एक है। कहने लगे, तुम जानते नहीं हो, गुनाहों को माफ रब करेगा, कर्जे की अदायगी रब करेगा, औलाद अल्लाह देगा, इस्तिग़फ़ार से रब राजी हो जाएगा। जब रब राजी हो जाएगा तो सारे काम बन जाएंगे, काम बिगड़े ही कोई नहीं। समझ में आती है बात? आज हमने रब को छोड़ दिया है और अहकमुल हाकिमीन से मुंह मोड़ लिया है और फिर हम चाहते हैं, हम समझते हैं हम कामयाब हो जाएंगे। नखो मुसलमानों, कयामत आ सकती है लेकिन अल्लाह से रिश्ता तोड़ करके हम कामयाब नहीं हो सकते। हम कहते हैं, हम तस्लीम करते हैं, हमारा रुआ रुआ गुनाहों में मलब्बस है, हम हर तरह गुनाहगार हैं, हमारी रात गुनाहों में
करके, अपने दामन को फैला करके, अपने हाथों को अल्लाह के सामने दराज करके जरा आज की रात मांग तो लो और अल्लाह से अपना रिश्ता जोड़ तो लो, यकीनन सारे मसले हल हो जाएंगे। मुसलमानों टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा, आधा घंटा मुझे दिया गया है, मैंने तकरीर भी करनी है और दुआ भी करनी है, इसलिए एक बाकिया सुनो जो हदीस की किताबों में बयान किया गया है और फिर अल्लाह की रहमत का, अल्लाह की मगफिरत का, अल्लाह की बख्शिश का अंदाजा लगाओ, अल्लाह कितना बख्शने वाला है, कितना रहीम है, कितना करीम है और कितना मगफिरत करने वाला है। हाय मुसलमानों सुनो, मुझे याद पड़ता है मुहद्दिस ने कहा, हदीस लिखने वाले ने कहा, हदीस की किताबों में तहरीर किया गया, अल्लाह का नबी आमना का रखते जिगर वजह तखलीक के कायनात अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सरवरे तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है, उमर खत्ताब रखते जिगर अमीरुल मोमिनीन मस्जिद नबवी में दाखिल होते हैं और आपकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। रहमतुल लिल आलमीन ने कहा, ऐ उमर ये आंख में आंसू कैसे है? उमर रोने की वजह क्या है? हाय मुसलमानों, उमर खत्ताब के लगते जिगर ने कहा, नबुव्वत की मांगी हुई शख्सियत ने कहा, या नबी अल्लाह, बाहर मस्जिद नबवी के दरवाजे पर एक शख्स खड़ा है, उसने अपना फातिया मुझसे बयान किया है, मुझसे रुका न गया, मेरी आंख से बेख्तियार आंसू निकलने लगे। नबी रहमत ने कहा, रहमतुल लिल आलमीन ने कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, उस शख्स को अंदर लेकर के आओ, हमारे पास लेकर के आओ। है मुसलमानों, उमर खत्ताब कलकते जिगर मस्जिद नबवी के दरवाजे पर दौड़ा, उस शख्स को अपने साथ लिया, नबुव्वत की बारगाह में हाजिर कर दिया। नबी ने कहा, पैगंबर ने कहा, आमना के लगते जिगर ने कहा, रहमतुल लिल आलमीन ने कहा, अरे तेरी आंख में आंसू कैसे है, ये रोना खोना कैसा है? आने वाले ने कहा, या नबी अल्लाह, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, इसकी बुनियाद पर मुझे चैन नहीं आता, मुझे सुकून नहीं मिलता, मुझे इत्मीनान नहीं होता। कहा, क्या गुनाह हुआ है? कहा, बहुत बड़ा गुनाह हुआ है। कहा, तूने कितना बड़ा गुनाह किया है? कहा, या नबी अल्लाह, मेरा गुनाह आसमान और जमीन से बड़ा है, जमीन के पहाड़ों से बड़ा है। है मुसलमानों, अल्लाह के नबी, अल्लाह के पैगंबर, आमना के लगते जिगर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अरे अपना गुनाह बता तो सही, तेरा गुनाह कितना बड़ा है? कहने लगा, या नबी अल्लाह, मुझसे बताया नहीं जाता, मुझे शर्म आती है, मुझे रोना आता है, मेरा जी चाहता है जमीन फट जाए, मैं उसमें समा जाऊं, मैं मुंह दिखाने के लायक और काबिल नहीं हूं। नबी के रहमत ने फिर कहा, अरे पता तो सही, तेरा गुनाह कितना बड़ा है? है मुसलमानों, जरा कलेजे पर हाथ रख करके सुनो और आने वाले का गुनाह सुनो। आने वाले ने कहा, या नबी अल्लाह, मुझसे कहा गया है कि तेरे गुनाह की माफी नबुव्वत की बारगाह में पहुंच करके हो सकती है, नबुव्वत के तवस्सुत से हो सकती है, रहमतुल लिल आलमीन की वजह से हो सकती है, इसलिए या नबी अल्लाह, आपकी चौखट पर आ गया हूँ, गुनाह बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। अल्लाह के नबी ने कहा, अरे गुनाह बता तो सही, रोते हुए गुनाह बताता है, कहता है, या नबी अल्लाह, मैं कफन चोर था, मैं मुर्दों की कब्रें खोलता और मुर्दों के जिस्म से कफन नाच लेता और कफन चुरा करके कब्र को बंद करके चला जाता। या नबी अल्लाह, मैंने ये गुनाह और मैंने ये चोरी एक दो दिन नहीं बल्कि मुकम्मल 7 साल तक की है, और 7 साल के बाद और 7 साल के आखिर में एक गुनाह मैंने ऐसा किया
किया। एक लड़की जवान मरी थी, उसे दफना किया गया। मैंने कब्र खोली, लड़की का कफन उतारा, लड़की को नंगा किया और कफर लेकर के चलने लगा। मैं जरा दूर गया था, शैतान ने तसल्लुत कर लिया, मेरी शहवत को फरका दिया। मैं कब्र में दाखिल हुआ, मैंने मुर्दा लाश से लड़की से मुंह काला किया और फिर कब्र से बाहर निकला। जब मैं बाहर निकला, मैंने सुना, मैंने महसूस किया, लड़की ज़माने हाथ से कह रही थी, ओ नौजवान मुझे नंगा करके चल दिया, मुझे नापाक करके चल दिया, मैं खुदा के हुजूर हाजिर होंगी, मैं नापाकी की हालत में उठाई जाऊंगी, तुझे शर्म तक नहीं आई मुझसे मुंह काला करते हुए? या नबी अल्लाह, यह आवाज मेरे कानों में गूंजती है, यह सोच मुझे परेशान करती है, यह गुनाह मुझे सोने नहीं देता, यह गुनाह मुझे चैन से खाने नहीं देता, यह गुनाह मुझे पीने नहीं देता, यह गुनाह मुझे आराम नहीं करने देता। हाय हाय मुसलमानों, गुनाह देखो, नबी ने सुना, पैगंबर ने सुना, आमना के लगते जिगर ने सुना, रहमतुल लिल आलमीन ने सुना, और सुनकर के आपको गुस्सा आया। आपके चेहरे पर ना गवारी के असरात जाहिर हुए, आपका चेहरा सुर्ख हुआ। आने वाले ने समझा नबी नाराज हो गए हैं, पैगंबर गुस्सा हो गए हैं। ये उठा, जंगल में पहुंच गया, अल्लाह के सामने हाथ उठाए और माफी मांगने लगा, इस्तिग़फ़ार करने लगा। है हाय मुसलमानों, एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, 40 दिन तक ये अल्लाह से माफी मांगता रहा। और 40 दिन के बाद इसने कहा, ऐ अहकमुल हाकिमीन, ऐ अरहमुर राहिमीन, अगर तूने मेरा गुनाह माफ कर दिया है तो अपने नबी को, अपने पैगंबर को आमना के रखते जिगर बजहे तकली के कायनात को इसकी तिला कर दे, और अगर मेरा गुनाह तूने बख्शा नहीं है तो मुझे जला करके खाक कर दे। हाय हाय मुसलमानों, अल्लाह की रहमत को जोश आता है, जिब्राइल नबी की बारगाह में पहुंचता है, अल्लाह का सलाम पेश करता है और जिब्राइल ने कहा, अल्लाह आपको सलाम पेश करता है और आपसे पूछ रहा है, मेरे महबूब से पूछो, आमना के रखते जिगर से पूछो, वजहे तखलीक के कायनात से पूछो कि सारी कायनात का खालिक मेरा महबूब है या मैं? जिब्राइल ने पूछा, नबी ने कहा, जिब्राइल कैसी बात करते हो, मेरा सारी कायनात का खालिक अकेला अहकमुल हाकिमीन है। जिब्राइल ने कहा, या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने दूसरा सवाल किया है कि सारी मखलूक का राजिक मेरा महबूब है या मैं हूं? नबी ने कहा, मेरा और सारी कायनात का, सारी मखलूक का राजिक अहकमुल हाकिमीन है। जिब्राइल ने कहा, अहकमुल हाकिमीन ने यह भी पूछा है, मेरे महबूब से पूछो कि मखलूक को माँ मेरा महबूब करेगा या मैं करूंगा? अहकमुल हाकिमीन के नबी ने कहा, है हाय मुसलमानों, रहमतुल लिल आलमीन ने कहा, सारी कायनात को और मुझे माफ करने वाला सिर्फ अहकमुल हाकिमीन है। जिब्राइल ने कहा, महबूबे खुदा सुनो, रब्बे किबरिया के आखिरी पैगंबर सुनो, रब ने कहा है, अहकमुल हाकिमीन ने कहा है कि हमने उस बंदे के गुनाह को माफ कर दिया है, उसे बुलाओ, उसे खुश
خوشخبری دو اور اسے خوش کرو. اللہ کے نبی نے صحابہ کو بھیجا, جاؤ اسے ڈھونڈ کر کے لاؤ. لایا گیا, اللہ کے نبی نے کہا, پیغمبر اعظم نے کہا, امام الانبیاء نے کہا, رحمت للعالمین نے کہا, اللہ نے تیرے گناہ کو معاف کر دیا ہے اور تیری مغفرت کر دی ہے. ہے ہے مسلمانوں, ہے کوئی ایسا کریم, ہے کوئی ایسا رحیم, ہم ایسے کریم سے رشتہ نہ چھوڑیں, ایسے رحیم سے رشتہ نہ چھوڑیں, ایسے معاف کرنے والے سے رشتہ نہ چھوڑیں, تو ہم سے بڑا ناشکرا اور ہم سے بڑا کمینہ کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے مسلمانوں, بخاری اور مسلم کی روایت ہے, اللہ کے نبی پیغمبر آمنہ کے لگتے جگر وجہ تخلیق کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے رحمت کے 100 حصے کیے ہیں اور 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں اور 1 حصہ دنیا میں تقسیم کیا ہے. اسی حصے کی بدولت مائیں بچوں سے محبت کرتی ہیں اور ساری کائنات ایک دوسرے سے محبت کرتی ہے. ایک حصہ رحمت کا, محبت کا, پیار کا اللہ نے ساری کائنات میں تقسیم کر دیا. نبیوں میں, پیغمبروں میں, انسانوں میں, جنات میں, جانوروں میں, حشرات الارض میں, سب میں ایک حصہ تقسیم کیا ہے. اور رحمت کے, پیار کے, مغفرت کے, کرم کے 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں. بتاؤ اللہ کتنا بڑا رحیم ہوگا اور کتنا بڑا کریم ہوگا. اس لیے مسلمان ہوں, میں صرف تم سے یہ درخواست کرتا ہوں اور کہو تو تمہارے پیروں میں ٹوپی رکھ کر کے کہو اور کہو تو تمہاری ٹھوڑیوں میں ہاتھ ڈال کر کے کہو, اب وقت آ چکا ہے کائنات سے رشتہ توڑو, اللہ سے رشتہ توڑو, اپنی پیشانی اللہ کے سامنے جھکا کر کے, اپنے ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلا کر کے, اپنے دامن اللہ کے سامنے دراز کر کے مانگو. صبح شام مانگو, رات کی تنہائی میں مانگو, دن کے اجالے میں مانگو, مجلس میں مانگو اور محفل میں مانگو. یہی ہماری کامیابی کا زینہ ہے اور اسی میں ہماری کامیابی کا راز مسمر ہے. کسی نے بہت اچھی بات کہی ہے, تجھ سے لینا ہی نہیں آتا تو تجھ کو کیا ملے, تجھ کو کیا ملے. لینے والے نے تو صحرا میں بھی سمسم لے لیا. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے تمام تر گناہوں کو معاف فرما, صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ دن کے اچالے میں, رات کے اندھیرے میں آمدن سہبن جان کر انجان کر جتنے چھوٹے بڑے گناہ, غلطیاں, کوتاہیاں, جرم ہم سے ہوئے ہیں سب کو معاف فرما. اے اللہ پوری ملت اسلامیہ کی مغفرت فرما. مسلمان جہاں جس خطے میں پریشان ہے ان کی رہائی کے فیصلے فرما, ان کو بعزت بری فرما. اے اللہ ہمارے ملک میں امن و امان کا ماحول پیدا فرما, پورے عالم میں امن و امان کا ماحول پیدا فرما. اے اللہ ظلم سے, ظالموں سے پورے ملک کی حفاظت فرما. تمام مدارس, مساجد, مکاتب, مقابر, خانقاہوں, دینی مراکز کی حفاظت فرما. ان کی تمام تر ضروریات کو اپنے غیب کے خزانے سے پورا فرما. اے اللہ جن لوگوں نے جلسے میں حصہ لیا ہے, اے اللہ ان کی محنتوں کو, کاوشوں کو, دینے کو, دلانے کو قبول فرما. اے اللہ اسے ہم سب کے لیے نجات کا, ہدایت کا,
دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنا. اے اللہ آئندہ ایسے پروگرام منعقد کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جوالی کلاں کے جتنے علماء حفاظ قراء ہیں اے اللہ سب کی محنتوں کو کاوشوں کو قبول فرما. اے اللہ جوالی میں ایک اچھا اور بڑا دینی ادارہ قائم ہو جائے اس کے اسباب مہیا فرما. یہاں کے علماء کو قراء کو حفاظ کو اور دیندار لوگوں کو اہل سربت کو اس کے لیے مسخر فرما. اے اللہ اس جانب متوجہ فرما اور خصوصیت کے ساتھ عزت نہیں ہے. اے اللہ ہم بہت گناہگار ہیں. اے اللہ بہت بڑے ظالم ہیں. اے اللہ ہمارے جسم کا رواں رواں گناہوں میں ملوث ہے لیکن اللہ ہمارے گناہ تیری رحمت سے مغفرت سے زیادہ نہیں ہو سکتے. اے اللہ آج کی رات اتنا بڑا مجمع تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے صرف تیری مغفرت طلب کرتا ہے تیری بخشش طلب کرتا ہے. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ معاف فرما. اے اللہ معاف فرما. اے اللہ مغفرت فرما. اے اللہ تو نے معاف کر دیا تیرا کچھ نہیں بگڑے گا. کوئی تجھے پوچھنے والا نہیں ہے. کوئی تجھے روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے. اور اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے ہم برباد ہو جائیں گے. اے اللہ یہ علماء صلحاء کیا حفاظ قراء بیٹھے ہیں بوڑھے بیٹھے ہیں. اے اللہ ان کے صدقے اور طفیل میں معاف فرما. اس جلسے کو قبول فرما. اس میں محنت اور کوشش جو کی ہے اسے قبول فرما. نبوت نے خیر کی لائن سے جتنی دعائیں مانگی ہیں اے اللہ سب کے اندر ہمارا حصہ متعین فرما. جن شروں سے آپ نے پناہ چاہی ہے سب سے ہماری حفاظت فرما. ہم سب کو اس نے خاتمہ عطا فرما. اے اللہ اس بستی پر اور اس علاقے پر خصوصی رحم و کرم فرما. یہاں دین کے دائی اور شہدائی پیدا فرما. مبلغ اعظم قرآن کے مفسر دین کے محدث اور اللہ کے نبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اشاعت کرنے والے پیدا فرما. اے اللہ جو دعائیں ہم نے مانگی ہیں اور جو مانگنے سے رہ گئی ہیں تمام کو اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول و منظور فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. میں پوری بستی کی